हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम डीआरडीओ सेप्टम 10 एडमिन एंड एलाइड के बारे में। जैसा कि अभी सबके मन में ये डाउट होगा कि आखिरकार इसमें नॉर्मलाइजेशन में हमको कितना स्कोर देखने को मिलेगा, क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर इसमें परसेंटेज होगा, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखो, जब आपके पहले आपके एग्जाम होते हैं डीआरडीओ टेक्नीशियन वालों के, स्टेप बी और टेक्नीशियन ए वालों के, यानी कि मतलब एक एक पोस्ट यानी कि डिफरेंट यानी कि पोस्ट वाइज आपके एग्जाम थे, यानी कि सभी यानी कि अलग अलग पोस्ट के एग्जाम होते, यानी कि सभी के मिक्स एग्जाम यानी कि नहीं हुए, यानी कि वो यानी कि आपके क्या कह सकते हैं कि ट्रेड के हिसाब से एग्जाम थे, तो जिस कारण उसमें आपके लगभग नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसमें लगभग परसेंटेज के तौर पर कट ऑफ को तैयार किया गया। तो मुझे लगता है कि आपके लगभग एडमिन एंड एलाइड में आपके परसेंटेज के तौर पर यानी कट ऑफ तैयार करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके परसेंटाइज नहीं होगी, क्योंकि आपके लगभग 13 से 20 मार्च तक आपके एग्जाम चलने वाले, तो यानी कि कह सकते हैं कि आप देखो आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो यानी कि सभी शिफ्ट में आपके मिक्स है यानी कि एग्जाम है, यानी कि एक शिफ्ट में सभी यानी कि आपके पोस्ट है, तो सभी के मिक्स स्टूडेंट आपके एग्जाम देने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अलग अलग शिफ्ट है, यानी कि अगर पोस्ट वाइज के हिसाब से अगर एग्जाम होता तब तो लगभग आपके मुझे लगता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, परसेंटाइज तौर पे आपके कट ऑफ को तैयार किया जाता है। पर मिक्स एग्जाम है तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन आप में इस एग्जाम में आपके बिल्कुल होगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्जाम हो रहे हैं और ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम होने के कारण नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि किसी की शिफ्ट हार्ड होती है, किसी की ईजी होती है, जिस कारण नॉर्मलाइजेशन को किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना स्कोर देखने को मिल सकता है तो वो मैं आपको बता दूँ। देखो, जो नॉर्मलाइजेशन में आपको स्कोर देखने को मिलेगा तो वो आपको लगभग 5 से 6 नंबर मैक्सिमम आपको देखने को मिल सकते हैं, और आपको मिनिमम आपको लगभग 1 से 2 नंबर, यानी कि जिसकी लगभग हर शिफ्ट है तो उनको, और एक्यूरेसी भी थोड़ा डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिनकी एक्यूरेसी लगभग अच्छी है तो उनके लगभग थोड़ा स्कोर बढ़ सकता है, और जिनकी एक्यूरेसी कम है और क्वेश्चन भी लगभग पेपर का लेवल इजी है तो उनके लगभग कम यानी कि नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपके नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा और परसेंटाइल होने के साथ थोड़े मुझे कम लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें परसेंटाइल होगा या फिर नॉर्मलाइज होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिक्स एग्जाम होने की वजह से आपके इसमें तो ये पूरी अपडेट है। अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।